subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concerts by Rajesh Choudhary. And in this video, I am going to discuss about the pharmacology of methenamine or hexamine, and that is a urinary antiseptic and the drug which are used in the lower UTI. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेथनामिन और हेक्सामिन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो एक तरीके से यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स है या फिर ऐसे ड्रग हैं जो कि हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं. इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया था बेसिक थिंग्स अबाउट द UTI एंड द ड्रग यूज इन द UTI एज वेल एज द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ द नाइट्रोफ्यूरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स. सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाई यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ let us start the topic. UTI means urinary tract infection, means आपके जो यूरिनरी जो आपके सिस्टम है, चाहे बात करें किडनी की हो, चाहे बात करें आपके ब्लेडर की हो, यूरेटर की हो या यूथ्रा की हो, तो उन पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खासकर आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो यू कलाई हैं, वो आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं. उसी इन्फेक्शन को हम रोकने के लिए हम जो है बहुत सारे ड्रग यूज़ करते हैं. उन ड्रग के बोलते हैं ड्रग यूज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. और उसमें से जो है कुछ हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं और कुछ हम जो हैं लोकल एंटीसेप्टिक्स या फिर यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स भी यूज़ करते हैं. अगर हम लोग यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की मीन्स ऐसे ड्रग जो कि लोकली आपके यूरिनरी सिस्टम पे काम करते हैं, उनका कोई भी सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता, उनका कोई भी टिश्यू इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि आपका नाइट्रोफ्यूरेशन और आपके मेथनामिन या हेक्सामिन है जो कि हम आज बात करेंगे. इसके अलावा जो बहुत सारे और एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे आपका सिप्रोफ्लॉक्स है, आपका ओफ्लॉक्स है, आपका सिफिलेक्जिम है, आपका कोटिमॉक्सिजोल है, ये भी एंटीबायोटिक्स हैं. ये जो हैं बेसिकली आज के डेट में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग यूटीआई के केस में, चाहे बात करें हम लोअर यूटीआई के केस में हो, चाहे बात करें हम लोग अपर यूटीआई के केस में, जिसको हम बोलते हैं पीलो नेफ्राइटिस. दोनों में हम करते हैं, डोज लगभग सिमिलर होता है, जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकते हैं दोनों के केस में. तो बात करें लोअर यूटीआई में जो है बेसिकली हम जितने भी एंटीबायोटिक्स हम बात किए अभी, उनके जो है डोज हैं आपके अप्रॉक्सीमेटली जो ड्यूरेशन है वो है आपका थ्री टू फाइव डेज. लेकिन जो अपर यूटीआई के केस में जो है ये 2 वीक तक हो सकता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात किए थे. सो आप उसको भी देख सकते हैं. तो नाउ कम टू द दिस टॉपिक इज द फार्माकोलॉजी ऑफ हेक्सामिन और मेथनामिन. मेथनामिन इज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, मीन्स इट हैज़ ओनली लोकल एक्शन ऑन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट हैज़ नो एनी एक्शन एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑन द ब्लड और टिश्यू एंड अदर थिंग्स. नाउ कम टू द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग. सो बेसिकली जब भी हम आपके मेथनामिन लेते हैं तो हमारे वो आपके डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के बाद जो किडनी तक पहुँचता है, किडनी तक पहुँचने के बाद बेसिकली इट इज़ ए हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन जो कि आपके इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, एंड दिस इनएक्टिव कंपाउंड्स फर्दर कन्वर्ट्स इन टू द एल्डिहाइड मेटाबोलाइट विथ इन द एसिडिक यूरिन. तो ये एसिडिक यूरिन में ही, एसिडिक यूरिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एसिडिक यूरिन में ही आपके हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन से आपके एल्डिहाइड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट्स होते हैं, स्लोली होते हैं. एंड बेसिकली दिस एल्डिहाइड मेटाबोलाइट्स फर्दर सोल्स द एंटीबैक्टीरियल एक्शन अगेंस्ट द ई कोलाई एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियास एंड में यूजफुल इन द यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स. तो इसके लिए जो है आपके एसिडिक पीएच होना जरूरी है, अप्रोक्सीमेटली जो है पीएच जो है 5.5 से नीचे होना चाहिए. एंड इट हैज़ नो एनी एंटीबैक्टीरियल एक्शन इन द ब्लड टिश्यू एज वेल एज इन द किडनी पेरेन्काइमल सेल्स. तो ये किडनी पेरेन्काइमल सेल्स में भी कोई भी इनका एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो नहीं होता. एंड एसिडिक यूरिन इज एसेंशियल, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5.5 पीएच एंड दैट इज अचीव्ड बाय द सम ऑर्गेनिक एसिड. हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड साथ में देते हैं ताकि जो है पीएच मेंटेन हो सके. खासकर हम यूज़ करते हैं मिंडलिक एसिड या फिर आपके स्कॉर्बिक एसिड या फिर आपका हिप्यूरिक एसिड. तो इसलिए जो है बेसिकली ये जो ड्रग है आपके मेथनामिन मेंडलेट फॉर्म में आता है जो कि साल्ट फॉर्म है मेंडलिक एसिड का. तो मेथनामिन मेंडलेट जो है एक तरह से एंटीकोटेड टेबलेट के रूप में हम देते हैं ताकि जो हमारे GI एसिड हैं, गैस्ट्रिक एसिड हैं, उसमें डिस्ट्रॉय ना हो सके और वो इजिली हम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन यूरिन पे अचीव कर सकें. एंड डोज है आपका 1 ग्राम TDS और QDS विथ फ्लूड रिस्ट्रिक्शन, मीन्स इसमें जो है बेसिकली हम 1 to 1.5 लीटर फ्लूड ही इंटेक करते हैं पर डे में. तो इधर से तो बेसिक थिंग्स ऑफ मेथनामिन. नाउ कम टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग. बेसिकली इट मे कॉज द GI डिस्टर्बेंस लाइक गैस्ट्राइटिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड इन द स्टमक. तो स्टमक के अंदर में फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसके से जो है आपको टॉक्सिक इफेक्ट या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके गैस्ट्रिक एरिया पे, आपके स्टमक पे. इसके अलावा इन द क्रोनिक वे हाई डोज इट मे कॉज द केमिकल सिस्टिस और
हीमेटोयूरिया भी कॉज कर सकता है आपके लॉन्ग ड्यूरेशन पे और हाई डोज पे। इसके अलावा इट मे कॉज सम सेनेस डिस्टर्बेंस और सम सेनेस सिम्टम्स ओकेजनली, ये फ्रिक्वेंटली होते हैं, ये रेयरली ही होते हैं। सो दिस आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द मेथेनामिन। बात करें यूज़ की, तो इसका यूज़ एक ही है आपका इन द एक्यूट यूटीआई और लोअर यूटीआई और फॉर द कैथेटराइजेशन प्रोफाइलेक्सिस। नाउ कम टू द सेकेंड इज द यूरिनरी एनाल्जेसिक्स, जिसमें ड्रग है आपका फिनाजोपायरिडिन। बेसिकली दिस इज द यूरिनरी एनाल्जेसिक्स, इसको हम एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है इस पर, यह आपकी यूरिनरी सिस्टम पे ही काम करता है, इन पर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है। एंड दिस ड्रग इज रिलीव द सिम्टोमेटिक्स एनाल्जेसिक्स लाइक बर्निंग सेंसेशन, डिसयूरिया, अर्जेंसी ड्यू टू द सिस्टिस। तो कुछ जो आपके सिम्टम्स हैं आपके पेन का, उसको कम करने के लिए हम यूरिनरी एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं इन ड्रग के साथ में। नाउ कम टू द फेवरेबल यूरिन पीएच फॉर द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, मींस क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें जो मेन आपके ड्रग का एक्शन है वो आपके यूरिन में ही होगा, आपके यूरिन में जो ड्रग है वो रिटेन होना चाहिए, वो इजीली स्किट आउट नहीं होना चाहिए, यूरिन पे ही थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव होगा और रिएक्शन देगा। तो जो आपके एक्सक्रीशन है वो आपके पीएच पे भी डिपेंड करता है, ड्रग के जो एसिडिटी या बेसिडिटी भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जानते हैं हम लोग कि एसिडिक ड्रग एसिडिक में एब्जॉर्ब होते हैं, एसिड ड्रग एसिडिक में फेवरेबल काम करते हैं और बेसिक ड्रग बेस में करते हैं। तो उस हिसाब से जो है आपके जो एसिडिक मीडिया पे जो हैं आपके नाइट्रोफ्यूरेसन, मेथेनामिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोसासिलिन आर द फेवरेबल इन द एसिडिक कंडीशन। बात करें बेस के लिए तो है आपका कोटिमाक्सोजोल, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सिफलोस्पोरिंस एंड द फ्लोरोक्विनोल्स आर द फेवरेबल फॉर द बेस कंडीशन। कुछ है आपका पीएच इंटरमीडियल, मींस पीएच इंडिपेंडेंट, ये पीएच पे उतना डिपेंड नहीं करता है, खासकर आपके क्लोरामफेनिकॉल और एम्पिसिलिन्स। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द यूटीआई एंड द ड्रग यूज्ड इन द यूटीआई एंड द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ मेथेनामिन। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक इट इन शॉर्ट, एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द अदर थिंग्स ऑफ फार्माकोलॉजी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।